ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ PSTET 2018 ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 2015 ਦੇ PSTET ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਆਫ ਫਸਟ 10 ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਏ 12.7, ਬੀ 12.9, ਸੀ 129 ਔਰ ਡੀ 10.1। ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਟੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 11, 13, 17, 19, 23, 29। ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ 2, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ। 3 ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ। 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੈਜ਼ ਐਗਜੈਕਟਲੀ 2 ਫੈਕਟਰ, ਇਟਸ ਸੈਲਫ ਨੰਬਰ ਐਂਡ 1। ਉਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ 1 ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਨੰਬਰ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਫਸਟ 10 ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ। ਫਸਟ 10 ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ਔਰ 29, ਔਰ ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਵਰੇਜ ਸਮ ਆਫ ਨੰਬਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ, ਤੋ ਇਸਦਾ ਸਮ ਕਰਾਂਗੇ। 2 + 3 = 5, 5 + 5 = 10, 10 + 7 = 17, 17 + 11 = 28 ਔਰ ਇਹ ਟੋਟਲ ਇਸਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 129। ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ 129, ਇਸਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 10 ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਆਂਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 12.9, ਮੀਨਸ 12.9, ਔਰ ਜਿਸਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਬੀ 12.9। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ। ਚੇਅਰ ਹੈਵਿੰਗ ਦਾ ਮਾਰਕ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ₹500 ਇਜ਼ ਸੋਲਡ ਫਾਰ ₹380, ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਇਜ਼, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਏ 20%, ਬੀ 24%, ਸੀ 2.4% ਔਰ ਡੀ ਹੈ 31.57%। ਤੋ ਇਸਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਲਵ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕਿ MP ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 500, ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 300 ਔਰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਨਿਕਾਲਣਾ, ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਸਾਡਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਾਈਨਸ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਜ਼, 500 ਮਾਈਨਸ ਸੋਰੀ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 380 ਹੈ, 500 ਮਾਈਨਸ 380, ਇਸਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਵੈਲਿਊ 120। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਨਿਕਾਲਣਾ, ਤੋ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਪਰਸੈਂਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਏ SP ਇੰਟੂ 100। ਤੋ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 120 ਔਰ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ 380, ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 100 ਦੇ ਨਾਲ, 0 ਨਾਲ 0 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, 5 to the 10
और 19 टू द 38 उसकी कैलकुलेशन आ जाएगी साढ़े को 600 बाय 19 इसनों 600 नू 19 दे ना डिवाइड करांगे 19 थ्री द 57 माइनस करांगे 30 और 19 वन द 19 माइनस करांगे आ जाएगा साढ़े को 1 1 0 डेसिमल आ जाएगा फिर यही करांगे 5 के नाल 19 5 द 95 और इसको माइनस करांगे साढ़े को वैल्यू आ जाएगी 150 और फिर 7 ना करांगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 133 तो इसका जो रिजल्ट है वो आ गया 31.57 और जो साढ़े को ऑप्शन देती है वो ऑप्शन है डी डी ऑप्शन टिक करांगे जिसका आंसर है 31.57%। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है इन द एग्जामिनेशन ऑफ 74% ऑफ कैंडिडेट 74% कैंडिडेट पास्ड एंड 156 फेल्ड द कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन ऑप्शन ए 211 बी 400 सी 500 ते डी 600। तो इसका बिल्कुल सिंपल मेथड है कि मान लो कि साढ़े को सपोज कर लो कि टोटल स्टूडेंट्स जेडे अपीयर है टोटल स्टूडेंट्स 100% कर लो जेडे पास किन्ने होए हैं ना चो 74% और फेल किन्ने आ गए 100 माइनस 74 ये आ जाएगा 26% होने कि 26% 26% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन 156 टोटल स्टूडेंट अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन जेडे फेल है वो किन्ने है 156 और अगर 1% निकालेंगे तो कितना आएगा 156 डिवाइडेड बाय 26 डिवाइडेड बाय 26 कैंसिल करेंगे 13 टू द 26 13 और 13 टू द 26 कैंसिल करके आ जाएगा 6% अगर 1% का 6 आ गया और 100% का कितना आ जाएगा 6 × 10 ये आ जाएगा 600 तो 600 और ये ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 स्क्वायर हैज रेक्टेंगल हैव द सेम एरिया इफ वन साइड ऑफ स्क्वायर इज 30 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 36 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल विल बी ऑप्शन देते हैं ए 15 सेंटीमीटर बी 25 सेंटीमीटर सी 36 सेंटीमीटर और डी 45 सेंटीमीटर। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं पहला ही सॉल्व करते हैं स्क्वायर दी साइड गिवन है 30 सेंटीमीटर और एक देता है सानू रेक्टेंगल दी साइड है लेंथ है 36 सेंटीमीटर और ब्रेथ फाइंड करनी है।
तो गिवन की देते एरिया एंड रेक्टेंगल, एरिया स्क्वेयर एंड रेक्टेंगल हैव सेम। तो पहला ही था एरिया कढ़ांगे, तो एरिया किस तरह कढ़ांगे, एरिया ऑफ स्क्वेयर साइड इनटू साइड, तो ये आ जाएगा साढ़े को 30 इनटू 30, ये आ जाएगा 900। फिर अं रैक्टेंगल का कढ़ांगे, एरिया ऑफ रैक्टेंगल ये आ जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ। कंडीशन की देती है कि एरिया ऑफ स्क्वेयर इक्वल टू एरिया ऑफ रैक्टेंगल 36 इंटू बी, ब्रेथ और बी की वैल्यू आ जाएगी 900 डिवाइडेड बाय 36, इनको कैंसिल करेंगे ये आ जाएगा 100 और आ जाएगा 4 और कैंसिल करेंगे 25, और इसका आंसर आ जाएगा 25, जोड़ा ऑप्शन बी है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ इक्विवेलेंट टू 35/42 हैविंग डिनोमिनेटर 30। ऑप्शन ए है 25/30, ऑप्शन बी है 30/25, ऑप्शन सी है 35/30 एंड ऑप्शन डी है 42/30। तो बिल्कुल इजी है, इसनों किस तरह कैलकुलेशन करनी है, इसी सानू गिवन देता है 35/42 इज इक्वल टू नूमरेटर नहीं है और डिनोमिनेटर आ गया साढ़े को 30, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 40n = 35 × 30, एन की वैल्यू आ जाएगी 35 × 30 45, कैंसिल करेंगे 6, 7 = 42, 6, 5 = 30, 6, 5 = 35 और एन की वैल्यू आ जाएगी 25। मीनस साढ़े को फ्रैक्शन जोड़ा नोमिनेटर आ जाएगा 25 और डिनोमिनेटर आ जाएगा 30, और इसकी ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जो है 25/30। सिक्स क्वेश्चन है, एलसीएम ऑफ 14, 28, 126 एंड 280, जिसकी ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी देती है। एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और बिल्कुल इजी है। पहला सब तो पहला 14 दे फैक्टर बना लेंगे 2 × 7, फिर आ जाएगा 28 दे फैक्टर बनावांगे, 28 दे फैक्टर बन जाएंगे साढ़े को 2 × 2 × 7, 126 इस दे फैक्टर आ जाएगा 2 × 3 × 3 × 7, 280 दे फैक्टर आएंगे 2 × 2 × 2 × 5 × 7। तो जो 7 दे फैक्टर है वो साढ़े को आ गए 2 × 7 = 28 दे आ गए 2 × 2 × 7 = 126, 2 × 3 × 3 × 7 एंड 2 × 2, और इन्हां विचों अहीं जिहड़ा लीस्ट कॉमन है 2^3 5 × 7, इस दे विच आ जाएगा 2 × 3^2 × 7 और इहदे विच आ जाएगा 2^2 × 7। तो इन्हां विचों जदों कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालांगे तो सब तो पहला आ जाएगा 2^3, उस तो बाद आ जाएगा 3^2, उस तो बाद आ जाएगा 5 और उस तो बाद आ जाएगा 7, और इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी जिहदे विच है 2^3, 3^2 × 5 × 7। नेक्स्ट सेवन्थ क्वेश्चन है, a^4 − b^4 / a − b इन द लोएस्ट फॉर्म, इसने लोएस्ट फॉर्म च शो करना है और लोएस्ट फॉर्म च इन शो करांगे असी
फॉर एग्जाम्पल कि जो साढ़े को आइडेंटिटी है ए रेस टू पावर फोर बी रेस टू पावर फोर इज इक्वल टू ए स्केयर रेस टू पावर स्केयर माइनस बी स्केयर रेस टू पावर स्केयर और ये आज की वैल्यू आ जाएगी ए स्केयर माइनस बी स्केयर और ए स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर इसे बेच सामने इसे शो कर देना ये आ जाएगा साढ़े को ए स्केयर माइनस बी स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर डिवाइडेड बाय ए माइनस बी तो ए अगे फिर चेंज हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस बी स्केयर डिवाइडेड बाय ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा की बच गया ए प्लस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर तो यदि राइट जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी ए प्लस बी और ए स्केयर प्लस बी स्केयर क्वेश्चन नंबर एट ए सर्कल हैविंग सरफेस एरिया ऑफ 294 मीटर स्क्वायर विल हैव द वॉल्यूम 216 मीटर क्यूब 333 मीटर क्यूब एंड 343 मीटर क्यूब एंड 49 मीटर क्यूब तो सानू दे सरफेस एरिया गिवन है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए 6 ए स्केयर और एरिए दी वैल्यू गिवन है 294 इज इक्वल टू 6 ए स्केयर और ए दी वैल्यू आ जाएगी 294 डिवाइडेड बाय 6 तो 6 फोर द 28 और 6 फोर द 28 डिवाइड कर लेने हैं 294 6 6 फोर द 24 5 आ गया और 96 था 54 तो 96 था 54 और ए स्क्वायर द वैल्यू 49 और ए द वैल्यू आ जाएगी 49 द स्क्वायर रूट और ए द वैल्यू कितनी आ गई 7 ए द वैल्यू 7 आ गई इट मीनस जिहड़ा क्यूब है उसकी जी साइड है वो आ गई 7 तो की निकालना है वॉल्यूम तो वॉल्यूम किस इक्वल है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट या मीन्स एल क्यूब तो एल कितना आ गया साढ़े को 7 तो 7 क्यूब मीन्स 7 इनटू 7 इनटू 7 मल्टीप्लाई करेंगे 343 मीटर क्यूब और जिसकी ऑप्शन है सी नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन है ए सर्कल हैविंग पेरीमीटर 44 सेंटीमीटर एंड हैव एरिया सर्कल द पेरीमीटर गिवन है और सर्कल द पेरीमीटर है 2 पाई आर इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और आर दी वैल्यू आ जाएगी 44 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 बाय पाई और 44 2 बाय 22 बाय 7 इज इक्वल टू आ जाएगा 44 इंटू 7 इंटू 44 ये कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी 7 तो मीन्स आर आ गया 7 सेंटीमीटर जड़ी आंसर दी ऑप्शन है मीटर च देती है और आर दी वैल्यू आ जाएगी 7 बाई 100 मीटर और 0.007 मीटर निकालना कहता एरिया एरिया है पाई आर स्क्वायर पाई दी वैल्यू है 22 बाई 7 आर दी वैल्यू आ गई 0.07 22 बाई 7
सेवन डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, तो सेवन और सेवन कैंसिल हो गए, ऊपर आ गया 154। 154 नू डिवाइड करांगे 10,000 नाल, तो 10,000 का डेसिमल लगा देंगे, डेसिमल 1, 2, 3, 4, 4 डिजिट वाला डेसिमल लगावेंगे, 1, 2, 3, 4, तो मीन्स 1, 4, 5, 1, 0 डेसिमल 0। तो इस द राइट ऑप्शन है और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी फेसेस वर्सेस एंड एज ऑफ डज ए क्वाइट, हाउ मैनी फेसेस वर्टेस एंड एज डज ए क्वाइट। क्वाइट की शेप नीचे बनाइए और इसकी ऑप्शन है फेस 6 है, वर्टिस 8 है, एज 12 है। बी ऑप्शन है फेस 6 है, वर्टिस 12 है, एज 8 है। और सी ऑप्शन है फेस 8 है, वर्टिस 6 है, एज 12 है। और डी ऑप्शन है फेस 6 है, वर्टिस 8 है और एज 16 है। तो सब तो पहला फेस की गल करते हैं, तो एक क्यूब बने, क्यूब दी फेस ए नीचे वाला फेस है और इसके ऑपोजिट दो फेस ए वाले हो गए, और इस साइड दे एक फेस ए है और एक फेस ए वाला हो गया, दो साइड द और दो इसके ऑपोजिट, और टोटल फेस ये बन जाएंगे 6। और अगर वर्टिस की गल करांगे तो ए वर्टिस ए वर्टिक्स काउंट करांगे, वर्टिस जिस तरह 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, सेम ही ऊपर आ जाएगा 5, 6, 7, 8 वर्टिस किन्ने आ जाएंगे 8। और अगर अं एज की गल करांगे तो एज इसके काउंट करांगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो एज कितने आ जाएंगे 12। तो इसका ऑप्शन आ जाएगी ऑप्शन ए जिदे विच है फेस 6 है, वर्टिस 8 है और एज 12 है। अगर क्वेश्चन दे विच कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर क्वेश्चन क्लियर ना होया होए तो ही कमेंट सेक्शन विच कमेंट कर सकते हो, और कोशिश करांगा कि मैं नेक्स्ट फिर 10 क्वेश्चन लेके आवांगा और नेक्स्ट वीडियो विच फिर थानू 10 क्वेश्चन सॉल्व करावांगा। धन्यवाद।